ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम चेक करते हैं। वन डायमेंशनल है और सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि दो दफ़ा डिफरेंशिएट किया हुआ हमने इसको, तो ये सेकंड ऑर्डर है। ये यू डबल एक्स आया हुआ है, यू डबल एक्स माइनस यू टी इज इक्वल टू जी, सेकंड ऑर्डर है डायमेंशन, लेकिन इसकी सिंगल है, वन डायमेंशनल है। और एक्स जो है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए और बी उसके दरमियान कहीं पर लाई कर रहा है। टेम्परेचर जो है वो भी पॉजिटिव है। शॉर्ट हम ऐसे करते होते हैं कि यू को हम कह लेते हैं वो स्ट्रिक्टली इक्वल एक्स टी के, u इज इक्वल टू एक्स टी, यू भी फंक्शन एक्स टी का, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बहरहाल u इज इक्वल टू एक्स टी जो है वो आप अपने गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। u की जगह हमने ये देखें एक्स टी पुट कर दिया, यहाँ भी u की जगह हमने एक्स टी पुट कर, हमारी इक्वेशन क्या थी, कर्ली टू यू भी कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस कर्ली यू भी कर्ली टी इज इक्वल टू जीरो, दोनों जगह पे u पे हमने पुट कर दिया। अब t क्योंकि कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा, हमारे पास आ गया कर्ली टू एक्स बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट का अंतर, एक्स बाहर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स कर्ली टी बाई कर्ली टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इसका आपने ध्यान रखना है। और एक्स और टी ये दोनों सिंगल वेरिएबल फंक्शंस हैं, टी आर सिंगल वेरिएबल फंक्शन, सो वी कैन राइट। तो फिर ये हमें पार्शियल वाली जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सिंगल ही है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं वो भी सिंगल ही है, तो ये पार्शियल वाला खत्म हो गया आपका, सीधा सीधा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। टी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस एक्स डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो डिवाइडिंग बाई एक्स टी, थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, जब आप डिवाइड कर देंगे आपके पास आ जाएगा एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू टी प्राइम डिवाइडेड बाई टी, इसको मैं इक्वेशन नंबर टू कह रहा हूँ। अब जो बात मैं करने लगूँ वो जरा गौर से सुननी है आप। इक्वेशन नंबर टू, लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ टी, एंड दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ईच साइड इज इक्वल टू द सेम कांस्टेंट। जो बातें हम कर रहे हैं ये तब भी पॉसिबल होती हैं कि अगर आपके पास जो दोनों साइड्स हैं वो किसी एक ही कांस्टेंट के इक्वल हों, यानी कि एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, एंड टी प्राइम डिवाइडेड बाय टी मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, एंड दीज बोथ कांस्टेंट्स विल बी द सेम, दोनों एक ही कांस्टेंट के इक्वल हों। बात अब ये है कि एक्स डबल प्राइम बाई एक्स इसको भी आप के इक्वल कर लेंगे, टी डबल प्राइम बाई टी इसको भी आप के इक्वल कर लेंगे, वहाँ से हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको हमने सॉल्व कर लेना है। डबल प्राइम बाई एक्स इज इक्वल टू के, टी प्राइम बाई टी इज इक्वल टू के, वी विल सॉल्व द सेकेंड ऑफ दीज इक्वेशन। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखेंगे दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ टी हो गया, यहाँ से के कांस्टेंट बाहर आया, इंटीग्रेट किया हमारे पास टी आ गया, कांस्टेंट भी हमने नेचुरल लॉग ऑफ ए की फॉर्म में लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई करवाया हमारे पास आ गया टी ओवर ए इज इक्वल टू ई रेज टू पार के टी, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह आप ये जो एक्स डबल प्राइम बाई एक्स इज इक्वल टू के है इसको भी हम सॉल्व करते हैं, एक्स डबल प्राइम बाई एक्स इज इक्वल टू के, एक्स डबल प्राइम बाई एक्स माइनस के इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हमने सीधा करके लिख लिया डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, के जो है वो समझ लें कॉमन आ गई, आपकी एक्सिलरी इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू जीरो, जैसे आप 10.2 में करते रहे हैं बी एस सी वाला मैसम यूसफ वाली मैथड वाली बुक में, डी स्क्वायर इज इक्वल टू के आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के, यानी कि एम की वैल्यू आपके एम वन आ गया प्लस अंडर रूट के और एम टू आ गया माइनस अंडर रूट के। आप इसका जनरल सोल्यूशन लिख ले, तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया वहीं जो लिखते हैं सी वन ई रेस टू पार एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पार एम टू एक्स, वहीं लिख लिया, तो हमारे पास आ गया सी वन ई रेस टू पार अंडर रूट के एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पार अंडर रूट माइनस अंडर रूट के एक्स, एंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो एक्स वाला और टी वाला जो दोनों सोल्यूशन आप निकालें, जो सबसे पहली आपकी इक्वेशन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था यू इज इक्वल टू एक्स टी, बस आपने उसमें पुट कर देना, ये एक्स वाला यहाँ पे पुट हो गया, टी वाला यहाँ पे पुट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा के थोड़ी और सेटिंग कर ली, ये आपका जनरल सोल्यूशन आया है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आप दूसरी एग्जांपल देखते हैं।